तो लोगों ने वहां के कहा कि आप जो कोई भी है हैदराबाद से आए कहीं भी आए हैं, आप अकेले रात में यहाँ बैठे मत बैठो, यहाँ रोज शेर घूमता है और यहाँ भूत प्रेत पिशाचारी भी आते हैं, दत्तात्रेय जी ऊपर गिरनार पर्वत पर ऊपर है और यहाँ अच्छा नहीं है, आप नहीं रुको। मैंने कहा धन्यवाद, आपने जो कहा है ठीक है, मैं मेरे गुरु पर विश्वास करता हूँ। मैं उस धुनी के पास बैठ गया जहाँ धुनी लगाकर बैठे हुए थे और मैंने गुरु का स्मरण करते हुए गुरु की गुरु मंत्र की पांच मालाएं की और कहा गुरु जी आपकी शक्ति से अगर मेरी भक्ति आपके प्रति है तो मेरा यह मंत्र सिद्ध हो। ये बात कहते हुए मैं 2 वर्ष पहले वहां गया और उस गुरु मंत्र को 3 दिन के लिए गिरनार पर्वत के नीचे किया। करने के बाद 3रे दिन एक गिरवे वस्त्रधारी साधु आए और उन्होंने रुद्राक्ष हाथ में देते हुए कहा कि तुम्हारी जगह ये नहीं है, यहाँ जंगल में भगवान दत्तात्रेय की सिद्धि की हुई माँ काली है, जहाँ भूत प्रेत पिशाच रहते हैं और रोज शेर आके वहां सोता है, एक बार उसका दर्शन ले लेके आओ और बाद में करो। ऊपर अम्बा मठ भी है, अम्बा मठ भी ऊपर है जहाँ भगवान दत्तात्रेय जी को माता पार्वती ने इस साकर मंत्र की साधना का उपदेश दिया था। बाद में इसके प्रवर्तक हुए दत्तात्रेय भगवान, दत्तात्रेय भगवान से मच्छिंद्रनाथ और सारे नाथ साम्राज्य के लोग दत्तात्रेय भगवान से इन साधना के, वहां ऊपर अम्बा का मंदिर है जहाँ साबरमेदान का साबर मंत्र श्रेष्ठता से सिद्ध होता है, वहां का दर्शन लिया। और मैं जब आया तब उस गिरवे साधु गिरवे रंग के कपड़े जो पहने थे उस साधु आए और रुद्राक्ष देकर कहा, तो मैंने कहा मुझे यहाँ कालिका मंदिर जंगल में कहाँ है इसका मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ वहां तक जाने की भी मुझे क्रिया नहीं है। अभी तो पूरे उन्होंने कहा अभी तो पूरे शक्ति के साथ पूरे घमंड के साथ कह रहे थे कि गुरु की शक्ति है मेरी भक्ति है तो ये साधना करूंगा, 3 दिन की साधना की है, अब काली के पास जाने के लिए गुरु की शक्ति काम नहीं करेगी क्या, भक्ति नहीं है क्या, उसने ऐसा मुझे एकदम हेलना के एकदम ऐसे नीचे उतारते हुए शब्द कह दिए। मैंने कहा ठीक है मैं ढूंढ के लिए जाता हूँ, आप कोई चिंता करने की बात नहीं, मैं ढूंढता हूँ, मैं जाना। अब मेरे मन को या मेरे हृदय को ठोस लगी कि उसने ऐसी बात कही कि मेरे गुरु में शक्ति नहीं है क्या, मेरे में भक्ति नहीं है। मैंने कहा मैं ढूंढ लेता हूँ। मैं 2रे दिन वहाँ ये ऐसा ही धूप करा था, वहाँ पानी बहुत कम मिलता है, पेड़ों से एक झरना छोटा सा झरना आता है, उस पेड़ के नीचे स्नान करना पड़ता है और वही पानी पीना पड़ता है वो, क्योंकि कम से कम 10,000 सीढ़ियाँ हैं उतर कर चढ़ना पड़ता है, 10,000 सीढ़ियाँ उतर कर जाना पड़ता है। वहाँ गया फिर वही पानी लिया, अब लगा कि ये तो साधु मुझे कह के गया, अब मैं जैसे काली मंत्र उठना है वहाँ तो एक आदमी भी नहीं और मैं अकेला धैर्य के साथ गया। मैं रुद्राक्ष उसने जो दिया था इसने रुद्राक्ष में मुझे दिया, मैं रुद्राक्ष हाथ में पकड़ा और चलते हुए निकला तो मुझे थोड़ी देर के बाद पगडंडी दिखी, छोटा सा रास्ता दिखा जो मैं कहा कहीं भी जाने दो, पगडंडी तो है कोई ना कोई तो चलता ही होगा इधर से, इस पगडंडी से ही जाएंगे। पगडंडी से थोड़ी दूर गया, देखता हूँ क्या कि बहुत बड़ी गुफा है, गुफा के बाजू में भालू के बच्चे और दूसरी तरफ शेर के बच्चे बैठे हुए। अब बोला अब गुरु की शक्ति ना मेरी भक्ति, अब तो गए हम काम से, ये तो अभी हमारे को हम इसके भोज्य बन जाएंगे, अब इसका हमारे से इसके साथ कुछ होना जाना नहीं है, अब कैसे। मैं जैसा ही गुरु का स्मरण किया, गुरु जी कहाँ लागे छोड़ी, काली मंदिर कहाँ है ये तो पता नहीं, यहाँ के गुफा के सामने खड़ा हो गया। लेकिन एक ही मिनट में वो जो साधु जिसने रुद्राक्ष दिया था वो मेरे सामने आए और कहा क्या हो गया। मैं बोला ये शेर के बच्चे वगैरह, अरे लेकिन आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, आपने तो कहा था चले जाओ और फिर मेरे पीछे आए। तो क्या उन्होंने कहा, क्या गुरु तुम्हारे ही है, हमारे गुरु नहीं है, तुम्हारे गुरु ने ही मुझे भेजा है कि तुम्हारे को रास्ता बताओ, ये मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, आप चलो आगे। आपने जिस शेर के बच्चों को कहा है या भालू के बच्चों को कहा है वो भालू और शेर के बच्चे ने केवल आपका परीक्षा का मार्ग था, आओ बताता हूँ, ये सब साधक है गुफा में बैठ के साधना करते हैं। उन्होंने बताया, मुझे जीवन में मेरा पहली बार आश्चर्य हुआ कि आज के दिन में भी ऐसे रूप बदलने वाले लोग आज भी हैं। और मैं वहां से उनको कहा कि अब आप मेरी शक्ति की परीक्षा ले सकते हैं, चाहे शेर आए या और कुछ भी आए, मैं काली मंदिर को जाऊंगा, आपको प्रणाम करता हूं, अगर मुझे गुरु जी ने आपको भेजा है तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं जीवन में एक बात बताता हूं, या तो देवताओं को देवियों को और गुरु के सिवा मेरे माता पिता के सिवा किसी के चरण छूता नहीं, किसी को नमस्कार करता नहीं। मैं उस साधु को भी ऐसा ही नमस्कार किया, वो हंस के रह गया। तो गुरु चरणों को भी नमस्कार करते हो, मैंने कहा अगर आप कहें तो आपके चरणों को भी नमस्कार करते हो, कहे तो क्या मतलब, कोई बोलता है कि मेरे पांव पड़ो,
मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके चरण छूने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं जैसा ही चरण छूने लगा उन्होंने दोनों हाथ पकड़ लिया और कहा आप भी मेरे गुरु भाई हैं, गुरु को नमस्कार करना आपका विधान जो है वही श्रेष्ठ है, आप आगे बढ़ो। आगे गया, वहां एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष था, उस पीपल के वृक्ष के बाद में पीपल में ही एक बहुत बड़ा ऐसा एक गुफा की भांति एक ये था, और मैंने देखा उसमें काली माता का मंदिर है, जो 3.5 फीट की काली माता का मंदिर है। मैं जैसा ही अंदर गुफा में झांका तो दिया लगाया हुआ है, कि किसने अभी अभी दिया लगाया हुआ है क्या, दिया लगाया हुआ है देखा, और जैसा ही माता काली के चरणों में नमस्कार किया कि ऊपर से एकदम कुछ पानी पड़ा, सर पे पानी पड़ा। मैं सबको ऐसा करके देखता हूँ तो क्या खून है, रक्त है। तो मैं एकदम माता की तरफ देखा तो माता के जीव से रक्त टपक रहा है, तो मैंने समझा कि कोई ना कोई यहाँ आके गया होगा। मैं शंकराचार्य जी का लिखा होगा, जैसे स्वामी कृष्णा ने कहा कि इस स्तोत्र से माँ काली सिद्धि होती ही है, मैंने उस स्तोत्र का पाठ किया। विरंचाली देवास्त्री गुणास्त्री समाराध्य कालीम प्रधान अनादिम सुखादिम स्वरूप तुम रविंद्र देव, हे माँ काली तेरे स्वरूप को ब्रह्मा विष्णु आदि भी जानते नहीं कि तुझे माँ कैसे कहें। अगर कोई मन चला कहे कि तू मेरी प्रेमिका है ये भी नहीं कह सकता, तू इतने भयंकर है, तू माँ है तो इतनी भयंकर है कि तुझे माँ कहकर तेरा स्तनपान करने कोई नहीं आ सकता, या तेरे को बेटी समझकर कोई पास ले कि इसकी शक्ति नहीं है जो तू मुंडवाला पहनी हुई है। हे माँ तेरी साधना किस तरह की जाए, ये शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र है। और गुरु जी कहते हैं किसी काली मंदिर में जाओ और इस अष्टक का इस स्तोत्र का 8 बार प्राप्त करो, काली दर्शन निश्चित रूप से देगी। और मेरा अनुभव है कि मैंने ये जो स्तोत्र जहाँ भी पाठ किया है वहां मैंने माता काली का अनुभव किया। आप सभी को इतने धूप में बिठाकर, अभी भाई कह रहा था भैया बहुत धूप है, वो सब लोग बैठे बैठे एकदम सूख जाएंगे। मैंने कहा तपस्या है, तपस्या का मतलब होता है तप जाना, ताप हो जाना, गर्म हो जाना, तो थोड़ा तपने दो, तपस्या तो करने दो, मैं इनको साधना तो बाद में बोलूंगा ही बोलूंगा, थोड़ा गर्म हो जाने दो। तो मैं जिस यंत्र की और जिस साधना को करके मैंने गिरनार पर्वत में इतना अनुभव किया, वही साधना आपके जीवन में मैं देना चाहता हूं। इसलिए कि आज तक आपने संस्कृत मंत्रों को किया, साबर विधान का कोई भी मंत्र, साबर के हजारों ग्रंथ पड़े हुए हैं, आपको तेलुगु में भी साबर मंत्र मिलेंगे, मराठी में भी मिलेंगे, गुजराती में मिलेंगे, क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में उन्होंने साबर मंत्र का, तुलसीदास जी का साबर मंत्र हो, आज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कितना सिद्धक आ गया है, वो तो हिंदी में है, कोई संस्कृत में तो है नहीं, और हनुमान चालीसा आपको कितनी सिद्धि प्रदान करते सब लोग जानते हैं, वो तो प्राकृत है, उसमें कोई संस्कृत का शब्द नहीं है। तो ऐसी सिद्धि साबर मंत्र जो गुरु को मानकर चलता है उसको इस सिद्धि को प्राप्त होना ही है। केवल इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि तुम ये इस रंग का कपड़ा पहनो, इस रंग की माला डालो, इस रंग का ये करो, कुछ नहीं है। केवल गुरु को मान लो और कहो कि मेरी गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, आपको निश्चित रूप से साधना में शक्ति मिलेगी। इसमें कौन से मंत्र है, दशमा विद्या का मंत्र है या गुरु को सिद्धि करने का, पहले गुरु को सिद्ध करके गुरु को प्रसन्न करने की विधि हम जाननी चाहिए। जब गुरु प्रसन्न होंगे और कहेंगे कि तुझे साबर विधान के मंत्र की सिद्धि प्रदान किया हूं, तो आप कौन सी भी साधना करो आपके जीवन में छोटी छोटी, आप मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे लोगों को भी दिखा हूं, आप देखे हैं नहीं देखे, ब्राह्मण हैं, रोज वेद विद्या का पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन घर में बेटी अगर बीमार हो तो किसी मुसलमान के पास जाके झाड़फूंक कर लेते हैं, वो जाके मंत्र पढ़ता है, मुंह पंख झाड़ता है, बोला कम हो गया। मुझे यह आश्चर्य लगता है कि तुम इतने मंत्र सिद्ध होकर उसके पास जाने की क्या क्रिया पड़ी। ऐसे बहुत लोग, आप सच कहो ऐसा है नहीं इस संसार में, ऐसे कितने लोगों को मैंने देखा, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है, क्या हमारे मंत्र सिद्धि नहीं है, हम मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते। या मंत्र सिद्धि में पहले मच्छिंद्रनाथ जी ने जो शिव जी को कहते हुए माता पार्वती को कहते हुए संस्कृत का एक मंत्र कहा था और कहा था कि इसे मुझे सिद्धि प्रदान करो, लेकिन गोरखनाथ जी ने उसी मंत्र को फिर प्राकृत में कहकर कहा कि मुझे इस मंत्र की सिद्धि दो, अपने गुरु को मांगा। प्राकृत रूप में गोरखनाथ जी ने मंत्र को मांगा और संस्कृत में मच्छिंद्रनाथ जी ने शिव जी को और माता पार्वती को मंत्र मांगा और बोला कि मैं जो भी भावना के साथ कहूं वो देवता सुनना ही चाहिए और मेरी बात सुनकर वो मुझे प्रसन्न होना ही चाहिए, ये नवनाथों ने मांगा था। नवनाथ कैसे पैदा हुए मैं आपको शाम में बताता हूं कि उनकी चमत्कारिक विद्या क्या है। आज हम कलयुग में किन किन विद्याओं को देखते हैं, हम इतना मंत्र करने साधना करने के बाद भी हम क्यों यशस्वी नहीं हुए, हमें क्यों यश नहीं मिला, कीर्ति नहीं मिली, हम आज कोई एक व्यक्तित्व ऐसा
खड़ा हो और कहे कि डॉक्टर नागेंद्र सिवान जी का शिष्य हूं, मैं ये बात कर सकता हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री, ऐसा एक बात कहे। एक साधक तो हो, मेरी इच्छा है, एक साधक तो हो जो तीन लोकों में घूम के आया और कहे मैं चंद्रलोक पे जा सकता हूं, शुक्रलोक पे जा सकता हूं। एक साधक साधना करके बताए। अगर ये नहीं होता है तो हमारे में कमी है, मंत्र में कमी है, साधना में या गुरु में कमी है। तब मैंने इस निर्णय पर पहुंचा है कि हम संस्कृत के बारे में जानकर विद्या करें या ना करें, हम सागर विधान से जैसे नवरात हुई स्वर्ग में जाते थे, भगवान शंकर से झगड़ा लगा लिया था गोरखनाथ जी ने, रामचंद्र से और हनुमान जी से झगड़ा लगा लिया था और वे जीत गए, उनके साथ वो हार गए, रामचंद्र जी भी हनुमान जी भी हार गए, इस नाथ संप्रदाय में कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी साधना है जिससे हम दशमांग विद्याओं को या इस हर लोक के नक्षत्र सिद्धांत को जो सिद्धाश्रम में कहा जाता है, आज स्वामी शुद्धानंद जी हो साबरमंत्र के श्रेष्ठ ज्ञाता थे, नित्यानंद जी हो, नवानंद जी हो, ये सब सिद्धाश्रम के, प्रेमानंद जी हो, प्रणवानंद जी हो, खरभरानंद जी हो, ये सब सिद्ध साधक है। आज भी उनको बुलाने का तरीका एक ही है, तुम हिमालय में कहीं भी घुस जाओ और कहो कि मैं गुरु का शिष्य हूं, मैंने गुरु मंत्र लिया है और मैं रोज गुरु मंत्र करता हूं, मुझे ये घटनाएं आई है अप्रत्यक्ष हो, तो किसी न किसी रूप में आपके सामने गुरु की सहायता जरूर प्राप्त हो, चाहे आप कितने भी कष्ट में हो। लेकिन वो हिमालय में क्यों? क्योंकि हिमालय में वो सब लोग बैठे हैं, यहाँ आप कलयुग में इधर आते हैं तो ये छल कपट, ये जो गलती, ये जो गैस के चूल्हे के ऊपर पकाना, या हम जो जिस अशुद्धता के साथ चल रहे हैं, जिस हाइब्रिड तत्वों के साथ हम चल रहे हैं, जिसको चाहते हैं वो लोग नहीं चाहते, वो लोग शुद्धता चाहते हैं, और वो शुद्ध हम किस प्रकार से हो वो साबर विधान बताता है कि हम किस प्रकार से शुद्ध कहलाए जाते हैं। और उस शुद्धता को प्राप्त करते हुए अगर हम साधनाओं में श्रेष्ठता चाहते हैं तो हम इस बार मैं इस गुरु जन्म दिवस को साधनाएं साबर विधान की दे रहा हूं, और गुरु पूर्णिमा में चाहता हूं कि आप सिद्ध होकर आए तो ही मैं गया हुआ श्रेष्ठ हूं या गुरु श्रेष्ठ है या साबर विधान साबर मंत्र श्रेष्ठ है।